भल कर देखा फोन कला भगवत गीता डायरी बड़ लोक हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय जगन्नाथ। तो गाइस, आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन के साथ साथ आज सावन महीने का लास्ट सोमवार भी है और हमारी ओडिया वालों की आज राखी पूर्णिमा है। तो प्रभु श्री जगन्नाथ के बड़े भाई है ना बलभद्र, उनका भी आज जन्मदिन है। तो गाइस, मेरे बहुत दिन से प्रभु शिव जी को एक फूल का छतरी चढ़वाना इच्छा था जो कि आज फुलफिल होने वाला है। तो मेरा राज मार्केट से जाकर लाया है फूल वाला से, उसके साथ साथ कुछ सामान भी लाया जो मुझे आज ज़रूरत है, और इसके साथ साथ हमारे बागीचे का नारियल भी लाया है राज। तो आज हम जाएंगे शिव जी को ये फूल का छतरी चढ़वाएंगे जो कि मैं पहले 4 सोमवार से ट्राई कर रही थी लेकिन वो नहीं पा रहा था, जो आज फुलफिल हो गया मेरा उइस। तो प्रभु शिव जी को आज ये फूल वाला छतरी चढ़वाएंगे। और गाइज, आज एक स्पेशल डे है और ये बताना आज क्या है फाइनल, ये मुझे कमेंट भी करना आज स्पेशल डे स्पेशल कौन सा डे है। तो गाइज, इसको लेकर हम जाएंगे शिव जी के मंदिर। तो इसको अच्छे से हम बांध लेते हैं, इसकी जो हमारी जो लिंग है ना, लिंग के ऊपर इसको लटकाएंगे। तो मेरा बहुत ही इस स्टैचू, गाइज आप सक्षम है तो चांदी का भी छतरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे हम फूल का छतरी चढ़ाएंगे जो कि खुशी से जो भी देंगे भगवान वो ग्रहण करेंगे। और गाइज, जो आज बहुत बढ़िया दिन है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा गाय को भी आज जौर भी खिलाएंगे, जो बहुत अच्छा दिन है। तो गाय का आज गो माता की भी पूजा होती है जो बलभद्र जन्म है, जन्मदिन है, तो इसको इसीलिए हम जौर भी गाय को खिलाएंगे। और इसके साथ हम और भी आगे आगे क्या करेंगे आप देखते जाइए। तो चलो चलते हैं गाइस।
गाइस पूजा तो बहुत बढ़िया से हो गया है और अब चलो पक्षियों को थोड़ा खाना दे देते हैं। तो जो जो चोर हम गाय को खिलाए थे खिलाया था तो वो भी थोड़ा बच गया था, तो चलो अब पक्षियों को डाल देते हैं, उनको भी फीड कराना बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। गाइस हम भी जैसे प्राणी हैं, हमारी दुनिया में जो बहुत सारा प्राणी है उनको भी खिलाना बहुत ही शुभ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारा कुत्ता भी है, तो चलो उनको भी थोड़ा दूध दे देते हैं और देखते हैं वो खाते हैं या नहीं। बहुत सारा डॉग है लेकिन ये एक खड़ा है, उसके साथ अब तीन चार यहाँ पर थे, दूध देने के बाद आ जाएंगे। तो दूर दूध देकर हम थोड़ा दूर चले जाएंगे, तो देखेंगे खाते हैं या नहीं। तो फाइनल एक खा चुका है, देखते हैं और दूसरा आता है ना, दूसरा भी आ गया है गाइस। तो उनको भी खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो चलो चलते हैं गाइस, आप देखेंगे बाद में हम क्या करेंगे। गाइस आप लोग ये जो देख रहे हैं मंदिर बहुत ही छोटा सा है लेकिन नेचर से पूरा फुलफिल है और एक जंगल में है, जो कि जो नज़ारा है ना बहुत ही सुंदर है। इसके बाद हम जाएंगे घर, देखते हैं बाद में हम क्या करेंगे।
ड्रैगन को बाप बेटे ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं और उनको भूख भूख भी लगने लगा है। तो मैं बोली दाल चावल खाओगे, तो बोला हर रोज़ दाल चावल कैसा खाना, कुछ नया बनाओ। तो मैं बना रही हूँ बीटरूट पराठा, इसमें बीट गाजर थोड़ा सा आलू भी दिया है। तो आज विदाउट प्याज लहसुन वाला खाना खाएंगे। तो ये बना है हमारा बीटरूट पराठा, इसके साथ चटनी नहीं बनाई तो राज वाला चटनी लाए हैं मामा। तो देखो कैसे चड्डी पहन के बेड पर बैठाए, तो उसको बोला मैं नीचे बैठकर खाना खा ले। और मिस्टर विश्वाल जी को भी यहाँ पर मैंने खाना दे दिया है, लेकिन मैं बाद में खाऊंगी, मेरा बहुत एक बड़ा काम भी है। तो इसको और एक दे देते हैं, इसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाने के बाद मैं खाऊंगी। तो फाइनल यहाँ पर थोड़ा हम आटे गूंदेंगे, तो इसको आज हम तो गौ माता को खिलाया, डॉगी को भी खिलाया, अब हम खिलाएंगे मछली को। तो ये जो आटा है इस आटे का छोटा छोटा गोला गोले बनाकर इसको हम पानी में डालेंगे। हमारे यहाँ के पास पर छिलका है तो यहाँ पर डालेंगे। तो ये मछली के लिए खाना बनाने के बाद मैं खाना खाऊँ। गाइस मछली का खाना अब रेडी हो गया है। इस आटे गुला को हम टिफिन में पैक कर लिए हैं। रास्ते में जो भी तल्ला वगैरह इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। अब हम पहुंच गए हैं हमारे डेढ़ सूर के घर, जेठ जी के घर, जहां पर हमारा बड़ी बेटी स्वप्ना है। तो यहां पर आज स्वप्ना राखी बांधेगा राज को। तो हम चलते हैं अब डेढ़ सूर जी के घर, तो यहाँ पर राखी बांधवाएंगे राज को। तो यहाँ पर आने के बाद हमारी जो स्वप्ना के बड़े बेटे गणेश है, ठंडा ठंडा माजा दिया है पीने के लिए। तो माजा पीने के बाद में हम राखी बांधने की प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो आगे भी बहुत सारा बाकी है, आप देखते चलिए गाइस। मंत्र जो तुम्हें शुक्रपिंड महाकाय सूर्यकोटि समर्पण कुण्यदेव कार्यसु सर्वदा। गाइज बहुत अच्छे से रक्षाबंधन हो गया है भाई बहन के साथ। हम अब भुवनेश्वर निकलने वाले हैं, तो वहाँ पर भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज हम निकलने वाले थे, तो अभी भी पता चला है कि हमारी जो सोनाली है वो स्टेशन में उतर चुके हैं, अपने ससुर के साथ आए हैं। तो उनके ससुराल पुरी है, तो पुरी से अब आए हैं, उनको बिना देखकर जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सोनाली को देखकर ही जाएंगे, तो उनको साथ मिलकर ही जाएंगे। तो चलो सोनाली की वेट करते हैं। नंदा याद है नहीं लग पूरा सुन କେତେ ସପନା ଦିଦି ନ ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ରାନି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ସୁନିଲ ଦିଦି ନାହିଁ, ଏବେ ରାନି ନାହିଁ।
ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଦମୁ କି ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି गाइस सोनाली बेटा को राखी बांधने के बाद हम निकल पड़े भुवनेश्वर के लिए और हमारे साथ आए सोनाली के ससुर जी। तो उनको हम रास्ते में ड्रॉप करेंगे, निरंकारपुर में ड्रॉप करेंगे, वहां से वो बस लेके पूरी जाएंगे और हम जाएंगे सीधा घर। तो यहां पर रास्ते में थोड़ा रुके, एक नदी यहां पर मिला तो हम जो मछली की जो बनाए थे ना हम आटे की गोला, तो उसको रास डाल रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे भुवनेश्वर। गाइस अब आप भुवनेश्वर में एंटर कर चुके हैं, थोड़ी देर बाद हम घर में पहुंच भी जाएंगे। गाइस इस बार बहुत मजा आएगा क्योंकि हर बार मैं भाई को अकेले रखी बांधती थी, लेकिन इस बार हमारे पास हमारी रेखा, मेरी छोटी बहन और मेरा गुड़िया और मेरा नागेश्वर बाबा है, तो बहुत मजा आएगा। हम साथ में रक्षाबंधन मनाएंगे, तो इस बार गाइस सचमुच बहुत ही मेमोरेबल लगेगा क्योंकि हर बार मैं अकेली राखी बांधती हूँ और बहन सूरत में रहता है। तो हम घूमने के बाद मैं बहू को बोली राखी ले लेती हूँ और मिठाई ले लेती हूँ, तो बहू बोली मेरी मदर, वो बोले कुछ भी लाना जरूरी नहीं है, मैं राखी भी तुम देने के लिए लाई हूँ और मिठाई भी लाई हूँ। तो मैं बोले देखते हैं क्या लेने, तो राज बोला आज मम्मा भूख लग रहा है तो थोड़ा पराठा ही खाया था बीटरूट का, तो गरम गरम यहाँ डोसा बन रहा था, तो राज बोला मम्मा यहाँ पर डोसा खा लेते हैं। और मैं घर को भी फोन किया कि यहाँ पर गरम गरम डोसा निकल रहा है, कोई खाएगा? तो बोले रानी, रेखा और मेरा गुड़िया बोले हाँ बड़ी मामा मेरे लिए डोसा लाना, तो यहाँ पर राज खाएगा और उनको लिए हम पार्सल ले लेंगे। तो चलो चलते हैं गाइस। मोर शुभ बाबा गुरु गुगु बाबा हाँ सुमिले आखी तो पक्के ही ले से कि मैं देखो देखे ले फिलहाल बाबा इड़ा तो औरो इड़ा सानो फिलहाल फिलहाल पॉकेट को देखे जाने के लिए बुना आई ची बुना की तब से लाई तब इन चिट्टी बांधा है ये चीला हाँ सही डा आगा जोड़ा पिला बोला सही डा ले रे बेटा नहीं ना जोड़ा बड़ मामा को बोला सही डा करने सही डा रखो ये डा रखो तुम कहीं को हो जी चली मच्छी वाली कोई बात नहीं चार दिन लिखा ली वाला देखो चना मौज ऊपर खाली ही लड़ते बाबर वालिया अगर आई फूल ही लड़ी सर बेटा सिंह काम बेटा नंदड़ा को जो खाली हॉस्टल लागिला बड़ो फसल वो कहीं गाद्दो से दीजन न धरले बेटा भाई मोर तम ଆସି ବାନ୍ଧିବନି ନା ମାମା ମନା କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ ପିଲାର ଗ୍ରୀନ୍ ୱାଲାଟା ସାନ ପିଲାର କେଉଁଟା କେଉଁଟା କାର ମୋର ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ମୋର ସାନ ପିଲାର ଏଇଟା ବେଟା ଭାଇର ଏଇଟା ଅଜାର ଏଇଟା ଚାଚି ବାହାର ପିଲା ଦିବ ବାହାର ଦେଖୁଛୁ ତା ହଁ ମୋର ବାବୁ ବେଷ୍ଟ ବେଟା କେୟାରଫୁଲ हाँ उठे तो कौन लो बुड़ू बुड़ा बेसी हो जी लेट रहा है बुड़ा हाँ कल बब किच कौन नर तको बुढ़ा चार जी देखो दरकिन हो जी कौन देखा बड़ा पापा कम कौन सीखी हूँ उसे देखा बड़ा देखा आवारे में भल्ला
ଝପଟ ଦୁପସନା କେମିତି ହେଉଛି ସେ କେତେ ରାତ ରାତ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ତିନି ମାସ ହେଲା କହୁନା ଖାଲି ଆସୁନି ଆସୁନି ଏକା ସେ କେତେ ରାତ ବାଇକି ସୁନ୍ଦର କହୁନାହେଲେ ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତି मेरा भाई तू मेरी जान ନାଇଁ ଲଗେନି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଓମ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ ଆଳତି କଲାବେଳେ ଓମ୍ ଭଳିଆ କରାଯିବ ନାଇଁ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଟି ସମପ୍ରଭା ଦିଦି କୁଆଡେ ସୁନ୍ଦର କହୁଥିଲ
आगोटे पके दे था आगोटे पके दे बोल मोर मुल्लो त सडन टेकी कोला लज जगत रे ये नु कोन के ले दबो अंदर अंदर से अंदर चले बेटा ये फ्रेंड है ए भलिस घर गेला लिफ्ट दे गेट दे लिफ्ट दे ले लिफ्ट दे इल्ले दे दे ले फाइनली गाइस बहुत दिन के बाद जाके हम साथ में रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर पाए, क्योंकि हमारे साथ आज रेखा है, मेरी छोटी बेटी गुड़िया है और मेरा छोटा सा क्यूट सा बच्चा है। तो आज हम साथ में बहुत दिन के बाद रक्षाबंधन मनाए, लेकिन बाबा आने में थोड़ा देरी कर दी। तो आज मज़ा तो बहुत आया, लेकिन बाबा के भी दो बहनें राखी भेजे हैं, तो जो बुआ लोग राखी भेजे, तो आज हमारी दो बेटी उनके बहनें होकर राखी बांधेंगे। राजू गाइज आज क्या स्पेशल डे था आपको पता चल गया होगा। फाइनली आज मेरा बर्थडे था। कभी कभी मैं सोच रही थी मेरा नाम क्या होता अगर मैं लड़का होता, तो धरित्री से बदला कर बलराम रख लेते, क्योंकि आज प्रभु श्री जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम की बर्थडे है, तो सचमुच में बलराम होता। तो इसके साथ साथ आज हम सारे हमारी रेखा स्वप्ना सोनाली के साथ हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर पाए बहुत दिन के बाद जाके, और इसके साथ साथ हम गौ माता का पक्षियों को और कुत्ते को मछलियों को भी खाना खिला पाए, इसके साथ साथ हम प्रभु शिव जी को भी फूल की छतरी भी चढ़ा पाए, और मेरे बेटी की बहुत मज़े बात, मेरे बाबा की जो एक्टिंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। हम मिलते हैं फिर अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए धरित्री ब्लॉग्स। बाय गाइस, गुड नाइट, जय जगन्नाथ।